पंजाब नेशनल बैंक के 11,500 करोड़ लेकर फरार हो चुके नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के रोज नए कांड सामने आ रहे हैं। मामा भांजे की जोड़ी ने केवल बैंक को ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा एक्ट्रेस कंगना रनौत और बिपाशा बसु को भी चूना लगाया। इनकी कंपनी इन दोनों सेलिब्रिटीज का एंडोर्समेंट फीस लेकर फरार हो गए हैं। दोनों ही एक्ट्रेस ने गीतांजलि जेम्स के लिए विज्ञापन किया था लेकिन उनकी पूरी फीस नहीं चुकाई गई। साल 2016 में कंगना रनौत ने नक्षत्र के साथ करार किया था, उन्होंने एक ब्रांड को एंडोर्स किया था लेकिन मेहुल चौकसी की कंपनी ने उनका पूरा भुगतान नहीं किया। वहीं बिपाशा ने आरोप लगाया है कि नक्षत्र ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी उनकी तस्वीर विज्ञापन में इस्तेमाल की लेकिन उसका भुगतान नहीं किया। इस ब्रांड के साथ बड़े बड़े नाम जुड़ चुके हैं, ऐश्वर्या राय, लीजा हेडन, करीना कपूर खान, सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा, श्रद्धा कपूर, शिल्पा शेट्टी, जैकलीन फर्नांडिस, प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े स्टार्स इस ब्रांड को प्रमोट कर चुके हैं। विवाद सामने आने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने इस कंपनी के साथ अपना करार तोड़ दिया। कानूनी सलाह के बाद उन्होंने ब्रांड के साथ अपना करार बीच में ही खत्म कर लिया। उन्होंने भी नीरव मोदी की कंपनी पर बकाया न चुकाने का आरोप लगाया है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।